आज 29 अप्रैल 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा के बच्चों के जो कल्प कल्प का अपना पवित्रता का श्रेष्ठ पाठ नून कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। बहुत वंडर लगता है कि भगवान जो सर्वशक्तिवान है वो अपने बच्चों से मदद मांग रहा है। किसकी मदद मांग रहा है? कि बच्चे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संगम युग पर मुझे केवल पवित्रता की मदद चाहिए। तो स्वयं सर्वशक्तिवान बच्चों से मदद मांग रहा है। और बच्चों की भी कमाल है कि पवित्रता के लिए मरने को तैयार है। कितने सक्सेस स्टोरीज आपको सुनाए। बाबा ने आज की मुरली में पूरा पवित्रता के ऊपर ही कहा हुआ है, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। एक मुरली में तो बाबा ने यहां तक कहा था कि पवित्रता के लिए मरना पड़े तो भी मर जाओ लेकिन पवित्रता नहीं छोड़ो। सोचो कितनी गहरी बात, कितनी महत्वपूर्ण बात यह होगी। जहां पर इस समय पूरी दुनिया काम अग्नि पर बैठकर जल मर रही है, वहां पर कुछ आत्माएं संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए हैं। इट्स लाइक नदी का जो प्रवाह है ऊपर से नीचे जाती है, आप नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन माना गया है। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि सन्यासी उदासी जो भी है और इवन पढ़े लिखे विद्वान भी पवित्रता को बहुत कठिन समझते हैं। वो कहते हैं कि आग और कापूस इकट्ठा नहीं रह सकते। साइकोलॉजिस्ट ने तो दिमाग ही फिरा दिया है। खास करके जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्रॉयड नाम का साइकियाट्रिस्ट, जिसको फादर ऑफ एनालिटिकल माना विश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा कहते हैं, जिसको काफी मानते हैं, उसका पूरा थियरी काम विकार के ऊपर है। वो कहता है कि काम विकार ही सेंट्रल फोर्स है, मुख्य शक्ति काम है। और लोगों ने उसको मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इस समय मेजॉरिटी वैसे ही है, इसलिए लोगों ने उसे सच मान लिया। और कमाल बाबा की है, बाबा ने आते ही पहले कहा कि तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है। तो देखो दुनिया वाले क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है। दुनिया वाले कहते हैं कि काम के बिगैर जीना मुश्किल है, और बाबा कहता है काम माना विष है, पॉइजन कहता है बाबा काम को, काम विकार को। तो बेसिक इसका रूट जो है वो कामनाएं है ना, कामना। और उसमें सबसे डोमिनेंट या मुख्य कामना होती है शरीर का सुख, काम विकार जिसे कहते हैं। तो लोग समझते हैं कि ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है और जो ब्रह्मचारी रहेगा वो पागल हो जाएगा, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, बीमार पड़ जाएंगे अगर आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो, डराते हैं। एक भाई गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला बाबा का बच्चा, अभी उसके घर में गीता पाठशाला है तो उसका फैमिली डॉक्टर है, उसने उसको डरा दिया कि कहते हैं तुम अगर विकार में नहीं गए तो तुमको बीमारी हो जाएगी। अभी वो डर गया क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास था। तो जब हमारा क्लास था तो मुझे अकेले में पूछा कि ऐसा हमारा डॉक्टर कहता है, क्या यह सच है? अभी डॉक्टर्स क्या क्या बोलते रहते हैं।
मैंने उसको प्यार से समझाया कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है। वो तो शरीरधारी डॉक्टर है, उसकी डिग्री क्या है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो शिव बाबा है ना, वैद्यनाथ है, अविनाशी सर्जन है। अगर वो कह रहा है तो आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसको कहते निश्चय, आंख बंद करके विदाउट एनी क्वेश्चन बाबा जो कहता है उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें कोई डाउट ही नहीं लेना चाहिए कि बाबा कह रहा है और हम ना करें, क्योंकि कल्प कल्प की कमाई है, पूरे कल्प में श्रेष्ठ पाठ नून करने वाले हैं। तो ऐसे दुनियावी लोगों की सलाह नहीं लेनी चाहिए, ना इंटरनेट ना गूगल, आप इसमें जाओ ही नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत इस समय पूरी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है। तो वो यही कहेंगे, इवन शिवलिंग का जो है उसको भी बोलते हैं कि वो लिंग है पुरुष का, और इसीलिए बहुत सारी बातें हैं मान्यता। क्यों? क्योंकि जिसके मन बुद्धि में काम विकार है उसको वही दिखाई देगा। बाबा ने हमको पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, और आपको क्या इसकी महिमा सुनाओ। साइंटिफिकली तो इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, हम डॉक्टर्स हैं तो हमको भी ये बात बताई जाती है, खास करके मॉडर्न मेडिसिन में बताई जाती है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रस निकलते हैं, जैसे मुंह से सलाइवा निकलता है, लार बोलते हैं जिसको, पेट में एसिड निकलता है, ऐसे रस निकलते रहते हैं। तो वो कहते हैं काम विकार के स्पेशलिस्ट की ये जो वीर्य है ये भी एक प्रकार का रस है, ये शरीर से निकलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अभी आयुर्वेद इसके टोटली अपोजिट कहता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे जो भोजन हम स्वीकार करते हैं उस भोजन से 7 स्टेजेस में जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र ये आखिरी धातु है, पहला रस बनता है, फिर उसका रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद माना फैट बनता है, फिर अस्थि माना बोन टिश्यू बनता है, फिर मज्जा माना न्यूरॉन्स ब्रेन की टिश्यू बनते हैं, और फिर लास्ट में शुक्र धातु बनता है। तो शुक्र सबसे प्योर है, माना आप 40 दिन अगर भोजन करेंगे तो 40 दिन के बाद वो शुक्र के धातु बनता है, ऐसा आयुर्वेद के महान ऋषि कह के गए हैं। और उसका फिर बाद में ओज बनता है, ओज माना जो तेज चेहरे से दिखाई देता है। अभी ये सब सूक्ष्म बातें हैं, आज के मॉडर्न मेडिसिन को तो ये बातें पता ही नहीं है। जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं वहां पर ऋषि मुनियों ने द्वापर में जो चरक है ऋषि है या वाग्भट ऋषि है या सुश्रुत है, उन्होंने उस जमाने में अपने दिव्य दृष्टि से देखा था। तो किसका मानना चाहिए? आज सभी आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने जा रहे हैं। जो शुरुआत में मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदा को रिजेक्ट करता था, आज वही कह रहा है आहार विहार दिनचर्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये सब ड्रामा रिपीट होने वाला है, तो हम इसके यथार्थ राज को समझे। इवन साइकियाट्री में जो मनोचिकित्सा विज्ञान है उसमें हाईएस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको सब्लिमेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी सब्लिमेशन ये अंग्रेजी शब्द है, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं। सब्लिमेशन माना क्या? तो सब्लिमेशन का अर्थ है ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण। हम जो भी भोजन करते हैं उससे वीर्य बनता है तो वो नीचे की तरफ जाता है ना, प्रजनन के अंगों के द्वारा बाहर निकलता है, वो नीचे जाने वाला रास्ता है। अभी मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी इस समय क्या है कि उनका जो वीर्य शक्ति है नीचे की तरफ बह रहा है, अभी बहुत कम लोग हैं उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। जो मैंने कहा ना, नदी के प्रवाह के विरुद्ध आप जा रहे हैं, नदी नीचे की तरफ जा रहे हैं, माना तत्वों की तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये तत्वों से ऊपर जा रहे हैं, जिसको बाबा ने कहा ना ब्रह्म में या परम धाम में बुद्धि उन्हीं आत्माओं की स्थित होगी जो पवित्र रहेंगे। पवित्रता के पंख ही माया ने काट दिए हैं, इसलिए परम धाम में बुद्धि स्थित नहीं होती। तो ये ऊर्जा जितनी ऊपर उठेगी, कुछ लोग इसको चक्रा थेरेपी में इस तरह से सुनाते हैं कि मूलाधार से स्वाधिष्ठान और फिर मणिपुर, अनाहत,
फिर विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्राधार। इस तरह से वो एनर्जी ऊपर उठती है और आप देह बांध से परे हो जाते हो। तो बाबा ने हमारे लिए कितना सरल कर दिया। वो चक्रा बोलते हैं, अभी ये चक्रा एक्टिवेट हो गया, अभी ये चक्रा एक्टिवेट हो गया, अभी इधर ध्यान लेके जाओ। बाबा ने तो सीधा कहा, जहाँ पे इनका योग खत्म होता है, चक्रा थेरेपी वालों का, वहाँ पे हमारा राजयोग शुरुआत होता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही डायरेक्ट भ्रुकुटी के मध्य में है, भ्रू मध्य में है, दो आंखों के बीच में है। तो हम डायरेक्ट एनर्जी को वहां उठा लेते हैं, और जिन आत्माओं को यह अनुभव होता है योग में, वो स्पष्ट अनुभव करते हैं कि मेरी पूरी एनर्जी धरती से ऊपर उठ गई है, माना शरीर से ऊपर उठ गई है, और शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव करते हैं। तो इन आत्माओं के लिए पवित्रता बहुत नेचुरल है, कठिन नहीं है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, हम भूल गए। जैसे सतयुग में अपवित्रता की अविद्या होगी, अपवित्रता की अविद्या है, ऐसे यहाँ पर कलयुग में पवित्रता की अविद्या है। अभी ट्रांजिशन का पीरियड है, और बाबा हमको याद दिला रहे कि बच्चे तुम भूल गए कि तुम मेरे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ। जैसे आज मम्मा ने मुरली में कहा, जैसा जो होता है वैसे उसकी पैदाइश होती है ना। तो हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, तो हम परम पवित्र आत्मा है। जिसकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया, उसके लिए सब कुछ सहज है, और जिसके बुद्धि ने ये स्वीकार नहीं किया, उनको इंद्रिया खत्म कर देंगे, क्योंकि लंबे समय तक आप दमन करके चल नहीं सकते हैं, और यही कारण है जो बाबा के बच्चे फेल हो जाते हैं। पर ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं। अभी आपको कितने इसके ऊपर उदाहरण सुनाओ। बाबा ने तो माताओं को कहा, क्योंकि विशेष अत्याचार माताओं के ऊपर होता है, द्रौपदी को नंगन करने की बात है, तो माताओं को बाबा का क्लियर डायरेक्शन है कि सहन करना पड़े, मार खाना पड़े, लेकिन पवित्रता नहीं छोड़नी है। अभी यहाँ पर कुछ माताएं डर जाती है, कहते हैं कि पति ने घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे, और उनके पास कुछ धन वगैरह होता नहीं है, तो बेचारे चुपचाप पति को सहयोग देते हैं। और ऐसी भी माताएं हैं जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। सो ये चॉइस है हमारे पास, है ना, कैसे चलना है। लेकिन अगर योग हमारा अच्छा है, बाबा से अटूट प्यार है, तो हमारा बंधन समाप्त हो जाता है। ऐसे मेजॉरिटी माताओं की स्टोरी है, और इसी का भक्ति मार्ग में गायन है कि शेर के ऊपर सवारी दिखाइए। माया कोई साधारण नहीं है, माया भी बलवान है, सर्वशक्तिवान है। तो शेर के ऊपर सवारी माना, माया रूपी शेर के ऊपर सवारी, और ये शिव शक्ति का गायन है। तो कुछ माताओं ने ये पार्ट प्ले किया हुआ है, उनका ही गायन है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, गोवा में एक मंदिर में प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें लक्ष्मी नारायण के चित्र पर वो भाई समझा रहा था, तो सन्यासी एक आया, तो सन्यासी को उसने समझाया कि ये घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं, और हमको ऐसी दुनिया में जाना है। तो वो सन्यासी ने उसको पूछा, कोई है क्या ऐसा रहने वाला, ये तो असंभव बात है। तब उसने तुरंत बोला कि मैं खुद हूँ, और बाजू में एक बहन समझा रही थी, उसका परिचय दिया कि ये मेरी युगल है, हम दोनों पवित्र रहते हैं, और आपके सामने ही एग्जाम्पल है। जैसे उसने सुना, वो सन्यासी उधर ही साष्टांग दंडवत प्रणाम, वो लेट गया उनके पैरों में, और उसने स्वीकार किया, ये केवल राजयोग से ही संभव है। तो ऐसे बाबा के बच्चे रोल मॉडल है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनकर चलते हैं, और ये संभव है, सचमुच में संभव है। केवल बात होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की, क्योंकि काम विकार में भी कुछ प्राप्ति होती है। काम विकार हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसको कहा गया है प्लेजर सेंटर, प्लेजर सेंटर। और जब ये सेंटर एक्टिवेट होता है, तो वहां से डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो अल्पकाल के लिए आपको सुख का अनुभव कराएगा। अभी यही जो डोपामिन है, या प्लेजर सेंटर है, या और भी कई चीजों में एक्टिवेट होता है, जैसे भोजन
भोजन से भी ये एक्टिवेट होता है, काम विकार से भी एक्टिवेट होता है, और जो नशे की चीजें हैं, नशे की चीजों से भी ये सेंटर एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली हमको काम विकार की जरूरत नहीं है, हमको डोपामिन की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन से भी ये सेंटर एक्टिवेट होता है। तो हमारे पास चॉइस है कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स लेकर ये सेंटर एक्टिवेट करे, या काम विकार से एक्टिवेट करे, या अच्छे भोजन से एक्टिवेट करे, या अच्छा मेडिटेशन करके एक्टिवेट करे। अभी देखो, बहुत सारे लोग, योगी आत्माएं भोजन के ऊपर अपना पूरा शिफ्ट करते हैं फोकस, क्योंकि वो भी डोपामिन को रिलीज करता है। बेसिकली वो आनंद का अनुभव चाहते हैं, और ये डोपामिन और भी केमिकल्स है जो रिलीज होते हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। हमको डोपामिन चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, पर वो समझते हैं कि काम विकार से ही आनंद मिलता है। अभी जो आत्माएं पवित्रता को धारण करते हैं, वो पवित्रता से आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि काम विकार का आनंद अल्पकाल का है ना, अल्पकाल का है। और ये जो आनंद है, ये अविनाशी है, लंबे समय का आनंद है, और इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। सबसे बड़ी बुरी बात है काम विकार के, कि आप दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण होता है, और आपको हमेशा दूसरा कोई चाहिए सुख का अनुभव करने के लिए। यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, आप आत्मिक स्वरूप में ही वो आनंद का अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ योग लगा के वो अनुभव करते हैं, और डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। साइंस ऑफ मेडिटेशन का एक सेशन लिया था बहुत साल पहले, तो काफी फेमस हुआ था। तो उसमें यही बातें बताई कि आत्मा संपूर्ण अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं, व्हाट इज संपूर्ण अवस्था। तो आपका चक्र पूरा हो जाता है, आप 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, और आपकी डिपेंडेंसी व्यक्ति और वस्तुओं के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो समाप्त हो जाते हैं, और आप मालिक बन जाते हैं। तो पवित्रता हमको मालिक बनाते हैं। तो पवित्रता के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती है। शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि अपने आप को सजेशन देना है, बार बार धुन लगनी चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, पवित्रता सुख शांति की जननी है, मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं, और पवित्रता का सागर मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति भर रहा है, मेरा स्वधर्म पवित्रता है। जब ज्यादा देर तक आप पवित्रता का चिंतन करते रहेंगे, तो चिंतन से वो अवस्था बनती है, और आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करने लगता है। अभी आप चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, और जो पुराने संस्कार है उसके सामने गिव अप कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डोमिनेट करेंगे। बहुत सारे भाई बहन इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे फोन करते कि हमसे होता नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली। एक्चुअली ये कोशिश की हुई नहीं रहती है, वो जो माया का फोर्स है उसके आगे ये लोग गिव अप कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमसे होता नहीं है। नहीं, हो सकता है, सिर्फ कोशिश जरूर रखनी चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए, भोजन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये सब क्यों बताया गया है? क्योंकि हमको अल्टीमेटली डोपामिन चाहिए। डोपामिन के बगैर आप जी नहीं सकते, पर डोपामिन के अल्टरनेटिव तरीके को इस्तेमाल करना है। अभी देखो, लता मंगेशकर है, या हमारे वाजपेयी है, ये सब ब्रह्मचारी क्यों रहे? क्योंकि अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ डोपामिन को ये यूज करते रहे। तो सिंगर्स है, आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, स्पोर्ट्समैन है, इनकी एनर्जी है, अगर वो चैनलाइज करते हैं, जिसको ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण कहते हैं, तो पवित्र रहना बहुत इजी है। तो हम दूसरे तरीकों से डोपामिन को पाए, म्यूजिक सुने अच्छा, है ना, सिंगिंग करे, ड्राइंग करे, अपने आप को बिजी रखना चाहिए अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ डोपामिन में। मेडिटेशन इज द बेस्ट। तो ये अगर आप करेंगे, तो आप पवित्रता का आनंद लेने लगेंगे। तो अपने आप को ये भी संकल्प देना चाहिए कि मैं पवित्रता का आनंद लेने वाली महान आत्मा हूँ, पवित्रता का सुख अनुभव करना चाहिए। वो दुनिया में समझते हैं, और उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि एक ही सुख है, वो है काम विकार। लेकिन अगर आप उनको भी पूछो,
तो वो भी बोर हो जाते हैं। काम विकार का सुख भी क्या है, जब तक हार्मोन्स है आपके अंदर तब तक है, पर एक स्टेज लाइफ में ऐसे हो जाती है कि उससे भी बोर हो जाते हैं। उनको पता चलता है ये क्या है, 2 मिनट के का सुख है। और बाबा के बच्चे तो देखो, अगर गलती से गए काम विकार में तो पूरा दिन भर वो खाता रहेगा मन। तो 1-2 मिनट के सुख के लिए पूरा 24 घंटा क्यों बर्बाद करने का, है ना? तो इस सभी एंगल से सोचना चाहिए। अगर आपको गहराई में जाना है तो हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने किताब लिखी है, ब्रह्मचर्य और काम विकार पर विजय, उसका पूरा साइंस उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बाबा से सच्चा प्यार करते हैं तो बस हमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा खत्म, भगवान ने कहा खत्म, मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। बाबा ने कहा मरने को तैयार हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक थॉट भी मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा से प्यार है ना। एक तरफ हम कहते बाबा से प्यार है और दूसरी तरफ कहते बाबा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो ये फिट नहीं बैठता है ना। तो जो थॉट्स दिए गए उसका बार बार अभ्यास करना है, अपने आप को डिटैच रखना है। अब पवित्रता की गहराई बाबा ने बहुत समझाई है, किसी देहधारी के गुणों की तरफ आकर्षित होना ये भी पवित्रता है। नॉर्मली अपवित्रता माना किसी के नाम रूप में फंस जाना, लेकिन गुणों से भी आकर्षित होते हैं, किसी की पवित्रता भी आकर्षित करती है, तो ये भी अपवित्रता ही है। तो किसी से प्रभावित होना ये भी अपवित्रता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की व्यर्थ संकल्प चलना या चलाने के निमित्त बनना ये भी अपवित्रता है। तो चेक करो कि क्या मैंने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है, और मेरे हिसाब से ये बहुत सहज है, संभव है, सिर्फ हमारा योग अच्छा रहे और हम न्यारे प्यारे रहें। तो पवित्रता नेचुरल आती है और पवित्रता का आनंद लेना सीखना चाहिए। जैसे वो दुनिया में लोग काम विकार का आनंद लेते हैं, उसके लिए ही जीते हैं, पूरे पैसे वगैरह कमाते उसी के लिए, और हम पवित्रता का आनंद लेना सीखे तो शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव अटेंशन फ्रॉम अपवित्रता से पवित्रता की तरफ जाओ, बार बार अपने को याद दिलाओ, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि जहां प्राप्ति होती है वहां ऑटोमेटिकली आत्मा का ध्यान जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन को चेंज करो। कई बाबा के बच्चे आदत के वश होते हैं, उनको पता है ये गलत है लेकिन रोक नहीं पाते, उनको अधीन आत्मा कहेंगे, वो अधिकारी नहीं है। तो उनको केवल अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास से वो फिर से अधिकारी बन सकते हैं, स्वराज्य अधिकारी, तो इंद्रियां उनको परेशान नहीं करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने कही कि कैसे ट्रांजिशन होगा पुराने से नई दुनिया, तो बाबा ने कहा कि सभी चले जाएंगे और थोड़े लोग बचेंगे, क्योंकि साफ सफाई करने वाले, नए मकान बनाने वाले होंगे। और ये जो स्लोगन है बहुत यज्ञ में फेमस हुआ, जहाँ जीत वहाँ जन्म, तो अमेरिका, लंदन, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जीत नहीं होगी, जीत भारत में होगी, इसलिए जन्म भी भारत में होगा, पर भारत की डायमेंशन जो वर्तमान है वो नहीं है, बहुत विशाल है। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि कहाँ पे देवताएं जन्म लेंगे। बहुत सारे भाई बहनों ने अलग अलग थियरीज दी हुई है, क्या वो हिमालय है, क्या वो नेपाल है, क्या वो तिब्बत है, वी डोंट नो, टू बी वेरी फ्रैंक। हम सब कल्पना कर सकते हैं लेकिन हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर होगा कि ऐसी दुनिया जहाँ पर पुरानी दुनिया की ज़्यादा बातें नहीं होंगी, स्वच्छता होगी और पवित्रता होगी, प्रकृति भी सुंदर होगी, वहाँ पर देवताएं अपने कदम रखेंगे। तो वो जगह कौन सी होगी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मनन चिंतन, लेकिन बाबा ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि जहाँ पर हमारा जन्म होगा हम वहाँ सृष्टि के मालिक बनेंगे, क्योंकि अंतिम विनाश के समय जो पैसे वाले जो होंगे, धनवान होंगे, वो बचेंगे। अभी उनके घर में जन्म लेके वो शरीर छोड़ के चले जाएंगे और देवता इस धरती पर आएंगे। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है। जैसा हम आगे चलते जाएंगे हमको ये पता चलते जाएगा कि कैसे ट्रांजिशन होता है, और हमको जाना है नई दुनिया में। तो हमको अभी जैसे जहाँ जाना होता है वहाँ का देश और वेश
धारण करते, तो हमको जाना है सतयुग में, तो सतयुग का देवता ही संस्कार बाबा ने कहा इमर्ज करना है। कैसे इमर्ज करेंगे? तो उसका तरीका है बार बार उसके बारे में सोचना, चिंतन करना। जैसे आजकल मार्केटिंग वाले वो कहते हैं केवल हमारी बातें सुनो। अभी बहुत से लोग मिलते हैं पैसे कमाने के तरीके, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, तो उनका कुछ ऑडियो होता है, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें कहते हैं केवल हमारी बातें सुनते रहो। तो वो बार बार यही कहते कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसको इतना मिला, उसको उतना मिला। तो दिन भर मैं देखता हूँ वो हिप्नोटाइज करते, एक प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं कि यही तरीका है, अभी पैसे कमा लो, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला, अभी मौका है। तो बहुत हंसने को आता है, पर उनका वो तरीका का प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। अगर हम दिन भर मुरली को बार बार मनन चिंतन करते हैं, है ना, संग हमारा अच्छा रखते हैं, टीवी मोबाइल मीडिया से दूर रहते हैं, और सतयुग के बारे में चिंतन करते, दिव्य गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारी अवस्था ऑटोमेटिकली वैसे बनती जाएगी। मुझे आश्चर्य लगता है भाई बहनों को ये कठिन क्यों लगता है। तब मैंने चेक किया तो पता चला हम टीवी देखते नहीं हैं, हम किसी फालतू बातों को पढ़ते नहीं हैं, है ना, व्यर्थ संग में रहते ही नहीं है, दिन भर सेवा में बिजी रहते हैं या सेवा के ही थॉट्स चलते रहते हैं कि कैसे भाई बहनों को समझाए, कैसे अपना पुरुषार्थ करे। तो दिन भर यही चलता रहता है मुरली बाबा, तो फिर दूसरी जगह पे बुद्धि जाती ही नहीं है, आदत लग गई है बुद्धि को, तो दिन भर इसी संकल्पों में बिजी रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर की बातें, दुनियावी बातें अच्छी नहीं लगती है, वहां से ऑटोमेटिकली हम डिटैच हो जाते हैं। जो आज कहा ना रूहानी गुलाब उसे कहते हैं जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। बहुत लोग घर पे बुलाते इधर आओ ये करो, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम सिर्फ मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, चार्ट रखते हैं अपना, और नई नई बातें कैसे समझाया जाए दूसरों को अपने अंदर अनुभव करते हैं, क्योंकि पता है कि ये सब बातें दुनियावी जो भी आंखों से दिखाई देता है ये सब माया है, क्योंकि ये बंधन उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इनसे दूर रहते जानबूझ के। तो बाबा ने यही कहा है कि पुरुषार्थ शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना। जैसे कई बच्चे बोलते क्या करें हम तो अभी पुरुषार्थी है, तो बाबा ने मम्मा का स्लोगन याद दिलाया कि पुरुषार्थी माना एक बार की हुई गलती बार बार नहीं करना, जो बात दो बार होती है वो रिपीट जरूर होती है, इसलिए बहुत अटेंशन से अपने आप को व्यर्थ की अविद्या की ओर लेके जाना। और बाबा ने आज के वरदान में स्पष्ट कहा कि जब व्यर्थ की अविद्या होगी तभी दिव्यता आएगी, नहीं तो दिव्यता आ नहीं सकती है, और इसके लिए बहुत सरल चित्त साफ दिल होना चाहिए। दादी जानकी का एक फोटो लगा हुआ है शांतिवन में मधुबन में, वहां पर लिखा हुआ है सच्चा दिल साफ दिल और बड़ा दिल, ये बहुत सुंदर शब्द है, और जिसके अंदर ये नेचुरली आ जाता है। बाबा के कई बच्चे सचमुच में इनोसेंट होते हैं, सच्चा दिल साफ दिल और बड़ा दिल, उनके लिए व्यर्थ से अविद्या होना कठिन बात नहीं है, और बाबा को ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद है, उनके अंदर दिव्यता नेचुरली आती है, दूर से ही उनकी दिव्यता की झलक दिखाई देते हैं। तो अपने देवतायुक्त संस्कारों को इमर्ज करना है, इसके लिए व्यर्थ से अविद्या हो जाए, समर्थ स्वरूप हम बनाए, तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स, अनुभव करेंगे कि मेरा संपूर्ण शरीर हल्का हो चुका है, शांत एंड रिलैक्स। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक परम पवित्र दिव्य ज्योति हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, शरीर भारी है लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हूँ, शरीर विनाशी है लेकिन मैं अविनाशी हूँ, परम पवित्र दिव्य ज्योति हूँ। मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा पवित्रता के सागर है, मैं अपने बाप के समान परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की शक्ति बाबा मेरे अंदर भर रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। ज
जन्म जन्मांतर के मुझ आत्मा पर लगे हुए दाग इस पवित्रता की शक्ति से साफ हो रहे हैं। मैं फिर से स्वच्छ पवित्र बनते जा रही हूँ। मेरी रूहानी चमक बढ़ते जा रही है, जैसे शिव बाबा उसकी चमक है, वैसे मैं भी बाप समान रूहानी चमक वाले, चमकने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा, परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे द्वारा पवित्रता के प्रकंपन संपूर्ण वायुमंडल में फैल रहे हैं। मेरे शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन चुकी है। मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है। जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े वो भी पवित्रता का अनुभव कर रहा है। मेरी दृष्टि आत्मिक बनते जा रही है और मुझे केवल आत्मा दिखाई देती है। मैं बहुत संतुष्ट होते जा रहा हूँ, सुखी होते जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है और मैं पवित्रता का परम आनंद ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर हमेशा मेरे साथ है। पवित्रता के सागर शिव बाबा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। बाबा की आंखों से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। मेरे संपूर्ण शरीर में पवित्रता का प्रकंपन वाइब्रेशन फैलता जा रहा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर जीत प्राप्त की है। तुम कल्प कल्प माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बने हो। याद करो, तुमने मुझे याद कर मेरे श्रीमत पर चलकर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। बच्चे तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे साथ है। जाओ विश्व के अंदर पवित्रता की शक्तियों को फैलाओ और मनुष्य आत्माओं को दुखों से मुक्त करो। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा ने जैसे कि मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तन कर दिया। बाबा से दृष्टि लेते हुए मुस्कुराते हुए मैं आत्मा बाबा से कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जो कह रहे हैं तीनों कालों में सत्य है। मैंने अपने आप को रियलाइज कर लिया कि मैं वही कल्प पहले वाली आपकी संतान हूँ और मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर अनगिनत बार विजय प्राप्त की है। मुझे केवल रिपीट करना है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।